प्रदेश में लोकसभा चुनाव उम्मीदवार को लेकर अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पार्टी के तय उम्मीदवारों के नाम हाईकमान को भेजने और संसदीय बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने की बात कही, तो वहीं बिलासपुर से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने हमीरपुर सीट से कई बेहतरीन उम्मीदवार होने की बात कही। 2019 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को लेकर अब उम्मीदवारों पर सियासी माहौल गर्माने लगा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती का कहना है कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की जीत को लेकर कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं और आचार संहिता के दौरान तय उम्मीदवारों की लिस्ट हाईकमान को सौंप दी जाएगी, जिस पर संसदीय बोर्ड का ही निर्णय होगा कि आखिरी उम्मीदवार कौन होंगे। सतपाल सत्ती ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की जीत का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में लगी है झांसी पार्लियामेंट के लिए। अनुराग जी हमारे झांसी एमपी हैं और आने वाले समय में पार्लियामेंट बोर्ड इन सब चीज़ों को फाइनल करता है। जिस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उस समय प्रदेश से नाम मांगे जाते हैं, तो जो नाम तय हैं वो हम लोग भेजेंगे, डिस्कस करके करेंगे और तय पार्लियामेंट बोर्ड ने करना है। नरेंद्र मोदी जी की झोली में चारों सीटें हम लोग डालेंगे ताकि वो फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। उसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लगे हैं, सभी नेता लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम चारों लोकसभा की सीटों को जीतेंगे। हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के सवाल पर बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने पार्टी में कई वरिष्ठ व युवा नेताओं का जिक्र कर पार्टी के पास बेहतरीन उम्मीदवार होने की बात कही। कश्यप का कहना है कि अगर हाईकमान सही और अनुभवी उम्मीदवार को टिकट देती है तो इस सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत तय है। हमारी जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारे पास हमारे प्रदेशाध्यक्ष बहुत सुदृढ़ उम्मीदवार हैं। हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी नेता प्रतिपक्ष, वो भी एक अच्छे हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं। राकेश कालिया जी ऊना से, वो भी अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं बिलासपुर की बात करूं तो हमारे पास राजेश धर्माणी जी, बंबर ठाकुर जी और बहुत से ऐसे युवा हमारे पास हैं कांग्रेस पार्टी में, जो लोकसभा चुनावों में अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। उनके ऊपर अगर सही तरीके से निर्णय लिया जाता है तो अवश्य ही हमारी इसमें जीत के पूरे पूरे संभावना है। गौरतलब है कि हमीरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर जिला शामिल है। अनुराग ठाकुर वर्तमान में यहां से सांसद है और 3 बार इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए इस सीट पर उम्मीदवार तय करना आसान काम नहीं होगा। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।